कि मामूली सी पुड़िया है जिसके फवायद हमने आपको बताने हैं। ये चीज़ों को नमी से महफूज रखने वाली पुड़िया स्लीका बैग है, दवाओं, जूतों या दीगर अशिया के डब्बों के अंदर मिलती है, जिसको अक्सर अफराद बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं। बिल्कुल जी, ये हम देखते हैं कि ये स्लीका बैग जो है, ये हमें मुख्तलिफ मेडिसिन की जो डिब्बी होती है, कोई शीशे की बॉटल होती है, इवन कि हम लोग पानी की जो वाटर बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं, जो इम्पोर्टेड होती हैं या फिर लोकल भी होते हैं, उसके अंदर भी ये मौजूद होती है, जूतों के डब्बों में भी होती है। बिल्कुल ठीक कहा है जी, मगर आज हमने आपको बताना है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, लेकिन दर हकीकत इन बैग्स के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के दाने से मौजूद, जो अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी भी चीज़ को खुश कर देते हैं। ये दाने जहरीले तो नहीं होते, मगर इनको खाना नुकसानदेह होता है, लिहाजा बच्चों की पहुंच से आपने इनको दूर रखना है। और दीगर मकासद के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनका आपने तस्वुर भी नहीं किया होगा। और इसके अलावा जो है वो मैं आपको बताऊं कि इन स्लीका बैग्स का जो है वो क्या इस्तेमाल हो सकता है। मोबाइल फ़ोन को पानी से नुकसान पहुंचता है, उससे भी ये आपसे बचाती है। ये पानी में गिर जाने वाले मोबाइल फ़ोन्स को भी बचाने में मदद दे सकती है। और इस हवाले से ये बैग्स चावल से ज़्यादा मौसर साबित होते हैं। अगर आपका फ़ोन गीला हो जाए तो इसे इन बैग से भरे जार में डाल दीजिए, तो इसके बचने के इम्कान बढ़ जाते हैं। खैर, ये तो छोटी छोटी पुड़िया होती हैं, छोटी छोटी पैकिंग्स होती हैं जो बॉटल्स में, जूते के डब्बों में हमें नज़र आती हैं, लेकिन ये बहुत सारे केमिकल स्टोर्स पर, मेडिकल स्टोर्स पर ये आपको ओपनली भी मिल जाएगा, जिसे आप लाकर अपने घर में एक जार में महफूज कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल फ़ोन कहीं पानी में, टब में गिर जाए, तो आप जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन निकालिए और उस जार में डाल दीजिए। यकीनी तौर पर आपका मोबाइल फ़ोन बच जाएगा और आपका भी बड़ा नुकसान नहीं होगा। और इसके अलावा अगर इस मसले का सामना है आपको कि नमी से नमक या चीनी जुड़ जाती है, अक्सर हमने देखा है, और बरसात के मौसम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो एक स्लीका बैग नमी से मुतासिर चीनी या नमक को बर्तन में डालकर रख दे, जो कुछ देर में नमी को निचोड़कर इस मसले को हल कर देगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि अगर ये ख़तरनाक होती तो वाटर बॉटल्स में और बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें इसका इस्तेमाल ना किया जाता। हाँ, इसको निगलना, इसको खाना जो है वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आरायशी सामान का तहफ़ भी इससे हो सकता है, वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। अगर तो आपके पास सजावट या आरायश का सामान है जो किसी ख़ास मौका पर ही इस्तेमाल होता है, तो इसे बैग में रखने के बाद उसके साथ एक या दो स्लीका बैग रख लीजिए, वो नमी से महफूज रहेंगे। खैर, ये मेरी भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो गया है, क्योंकि बरसात के मौसम में ख़ास तौर पर जब बारिशें होती हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं, तो इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और इससे हो सकता है जी, अगर आप सफ़र करते हैं और उसके बाद आप अपना सफरी बैग रख देते हैं, उसमें एक स्मेल पैदा हो जाती है, बू पैदा हो जाती है, उससे भी ये स्लीका बैग्स आपको हिफाजत कर सकते हैं। उनको अपने सफरी बैग्स के अंदर डाल दें तो ये बैक्टीरिया की रोकथाम के साथ साथ किसी बुरी बू को भी दूर कर देते हैं। यानी जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उनको आप सेव कर सकते हैं इन स्लीका बैग के इस्तेमाल से। पुरानी तस्वीर को महफूज करें, इसका एक और फ़ायदा पुरानी तस्वीर को महफूज करना भी है। अक्सर तस्वीर वक्त के साथ ख़राब होने लगती हैं, ताहम कुछ स्लीका बैग्स पुरानी तस्वीर के डब्बे में रख दें तो वो उन्हें तंजली या ख़राब होने से बचाने में भी मदद देती हैं।